है बाराबंकी से, जहां पर बाराबंकी में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने बम स्क्वाड की टीम को भी बुलाया, जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने पूरे मामले का जल्द खुलासा करने की बात कही है। नगर कोतवाली क्षेत्र के सफेदाबाद इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने पूरे मामले का जल्द खुलासा करने की बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किए जाने की बात की। नगर कोतवाली क्षेत्र के सफेदाबाद की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाराबंकी से संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस ने बम स्क्वाड की टीम को भी बुलाया है। तो पुलिस ने बम स्क्वाड की टीम को भी बुलाया और पुलिस ने पूरे मामले का जल्द खुलासा किए जाने की बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नगर कोतवाली क्षेत्र के सफेदाबाद इलाके की पूरी घटना। बाराबंकी सफेदाबाद के पास, जहां पर अभी कुछ ग्रामीणों ने बताया कि बम है यहाँ पर, संदिग्ध अवस्था में कुछ पड़ा है। टिक टिक की आवाज़ आ रही है 112 के बाद। स्थानीय पुलिस यहाँ पर मौके मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि बम स्क्वाड भी पहुँच चुकी है और पूरी तरह से छानबीन कर रही है। आप वो देख सकते हैं किस तरह से बम स्क्वाड जाँच कर रही है जो भी संदिग्ध वस्तु निकली है। और पूरी हमारे पीछे स्थानीय पुलिस की पूरी टीम मौजूद है यहाँ पर, और पूरी तरीके से छानबीन करने के बाद ही कुछ पताया जा सकता है कि क्या था यहाँ पर। जो ग्रामीण इस रोड से निकले थे, उनको कुछ टिक टिक की आवाज़ आई, उन्होंने 112 नंबर पर कॉल किया। उसके बाद स्थानीय पुलिस आने के बाद बम स्क्वाड को सूचना दी, फिर पूरा प्रशासन सक्रिय है और छानबीन चल रही है। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए रजी सिद्दीकी। और नगर कोतवाली क्षेत्र के सफेदाबाद इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजी सिद्दीकी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजी, क्या अब तक जो दस्ता यहां पर पहुंचा हुआ था छानबीन में, कुछ मिला है इनको, क्या जानकारी सामने आई फिलहाल? ये आपको बता दें, बाराबंकी जिले के सफेदाबाद क्षेत्र के एक सुनसान जंगल था, वहां पे कुछ संदिग्ध वस्तु दिखाई दी जा रही थी, जो ग्रामीणों के सूचना पर 108 को बुलाई गई। फिर उसके बाद वहां स्थानीय पुलिस बुलाई गई, फिर उसके बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया। फिलहाल अभी तक बम निरोधक दस्ता छानबीन पे जुटा है, अभी कुछ हल नहीं निकल के आया। मौके पर आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, बाराबंकी कप्तान और रेलवे प्रशासन का पूरा अधिकारी है, वो सब मौजूद हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रसी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने पूरे मामले का जल्द खुलासा करने की बात कही है। हालांकि जो बम निरोधक दस्ता है वो भी यहां पर पहुंच चुका है, ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो सके, और पूरे मामले में जाँच शुरू कर दी गई है।